निज नाम सोही जाहिर हुआ। अक्षरातीत परब्रह्म सच्चिदानंद महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किरंतन के इस प्रकरण में करें निज नाम सोई जाहिर हुआ। इसवे पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई आपने श्रवण किया। श्री महामती कहे महबूब जी खेल देखिया चाहे दिल, स्पष्ट रूप से बात समझ में आ रही है। हांसी करी भली भांत सो अब उठो कीजे केले। धाम धनी ने ब्रह्मात्माओं को माया की फरामोशी रूपी पर्दा डाल करके इनके ऊपर भरपूर हंसी कर लिया। हांसी करी भली भांत सो, भली भांति मतलब जी भर के अच्छी तरीके से। तारतम ज्ञान के अभाव में ब्रह्मात्माओं ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, अध्यात्म के नाम पर, अपने प्रियतम की प्राप्ति के नाम पर, औरों की बात छोड़िए। श्यामाजी महारानी देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने खोज करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या क्या किया वही सब अन्य आत्माओं ने भी किया, क्योंकि परब्रह्म का स्वरूप इस संसार में तारतम ज्ञान के अवतरण होने से पूर्व कहीं था नहीं। जब नहीं था तो स्वाभाविक रूप से वो अपने प्रियतम की खोज तो करेंगी ही करेंगी। और इस दुनिया में कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि परब्रह्म का स्वरूप कहाँ है, उनका धाम कहाँ है, आत्माएं क्या है, और आत्माओं का प्रियतम परब्रह्म परमात्मा है भी या नहीं है, क्या संबंध है, इस चीज की भी जानकारी किसी को नहीं थी। उस अवस्था में आत्माओं ने जहां भी गए, जिस परिवार में गए, जिस समाज में भी वो रही, जहां का जैसा तन धारण किया और उसमें जो भी परिवार के सदस्यों ने अध्यात्म के नाम पर जो सिजदाएं बजाई वो ब्रह्म सृष्टियों ने भी बजाई। श्यामा जी को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो ये कहावत याद आ जाती है, चाहे मान चाहे न मान मैं तेरा मेहमान। चाहे ब्रह्म सृष्टियों का संबंध संसार में किसी के साथ हो या न हो, लेकिन उन्होंने सिजदे तो बजाए। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रही। अब आगे कह रहे हैं जितनी हंसी होनी थी अब हो गई। इसमें जो भी सतर्क होना चाहता है उसके लिए स्वर्णिम अवसर है। कह रहे हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ। यहां प्रसंग का उठान किया है, लेकिन इसको व्याख्या करके समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद ब खुद ये चौपाई आगे चल करके अपने असलियत को खुद उजागर कर रही है। इसीलिए मैं संक्षिप्त में ये पूरी चौपाई बोल देता हूं। निज नाम सोई जाहिर हुआ। वो निज नाम जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखता। स्पष्ट रूप से समझ में आ रही ना, जिसको संसार में प्रकट होने की या जाहिर होने की सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। किस चीज का इंतजार कर रही थी मुख्य रूप से, चलिए और स्पष्ट होता है तीसरे चरण से, मुक्तदेशी ब्रह्मांड को किस चीज का इंतजार कर रही थी, उस चीज का जिसके इस संसार में प्रकट हो जाने से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी। मुक्तदेशी ब्रह्मांड को, सबको मुक्त करेंगे, मिलेगी नहीं मुक्तदेशी, सबको मुक्ति देंगे। आए ब्रह्म आत्म सत्य चौथे चरण में स्पष्ट रूप से कोई पर्दा नहीं, स्पष्ट कह दिया आए ब्रह्म आत्म सत्य। क्योंकि ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ, ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए परब्रह्म आएंगे, तो उनके साथ दिव्य ब्रह्मपुर धाम का अखंड अलौकिक ज्ञान उनके पास होगा। इस चीज का इंतजार सारी दुनिया कर रही थी। अब स्पष्ट रूप से बात समझ में आ गई। तो पहले चरण में हम चलते हैं कि निज नाम आखिर क्या है। हम बोलते हैं एक चौपाई या छह चौपाइयां, ये निज नाम है।
ठीक है, बीज रूप से ये निज नाम अवश्य है, लेकिन इसमें जो बीज रूप से इन एक चौपाई में या इन छह चौपाई में जो बात दर्शाई गई है, जैसे अखबार आप पढ़ते हैं, अखबारों में सबसे ऊपर हेडलाइन लिख दी जाती है, उसके नीचे पूरे उसमें उसका संक्षिप्त विवरण दो लाइनों में लिख दिया जाता है, उसके बाद सारी खबर डिटेल में मिलती है। इसी प्रकार से ये तारतम ज्ञान का मूल रूप से प्रकटन हुआ ये छह चौपाइयों के रूप में। पहले तो एक ही चौपाई के रूप में था, बाद में जाकर के छह चौपाइयां इसमें प्रकट हुई। इन छह चौपाइयों के प्रकट होने से परब्रह्म के धाम, परब्रह्म के स्वरूप और परब्रह्म की लीला का हमें स्पष्टीकरण मिला, जिसके अभाव में सारी दुनिया स्वर्ग, वैकुंठ या संसार के जड़ पदार्थों में ही अपना सर्वस्व निछावर करके अपने अध्यात्म के अंतिम मंजिल समझ करके, इतिश्री समझ करके उसी में संतुष्ट होने के लिए बाध्य थी, क्योंकि निराकार से परे का ज्ञान तो था नहीं। ये अवश्य है, अशतो मा सत गमय, इस असत से हमें सत की ओर ले चलिए, तमशो मा ज्योतिर्गमय, ये अज्ञानता रूपी अंधकार, प्रकृति की अंधकार से हमें उस ब्रह्म की ओर लेकर के चलिए, मृत्यु अमृतम गमयति, यहां कोई भी पदार्थ बन जाती है उसका अवश्य लय होता है, कोई भी जन्म लेता है उस योनि को परित्याग करके उस देह का त्याग करता है, यानी उसकी मृत्यु अवश्य होती है। हे परब्रह्म परमात्मा, हमें अमरत्व को प्राप्त कराइए, हमें अखंड कीजिए। लेकिन वो अखंड कहाँ है, वो अमृत स्वरूप कहाँ है, ये किसी को पता नहीं था। यही तो निज नाम है, यही उनकी पहचान है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, पहचान किसको कहते हैं। हॉलीवुड की दुनिया में बहुत सारे हीरो हैं, मुझे शायद एक ही हीरो को मैं पहचानता हूं, बाकी को नाम तो एक दो सुना है हूं लेकिन पहचानता नहीं हूं। लेकिन अमिताभ बच्चन को पहचान लेता हूं, शकल से भी पहचान लेता हूं और नाम से भी, और उसी का उदाहरण भी दे रहा हूं। ये कहा जाता है भले बुजुर्ग हो गए, फिटनेस में और योग्यता में भी किसी हीरो से 19 नहीं है बल्कि 21 ही है। कौन बनेगा करोड़पति में वो अपना किरदार अदा करते हैं, ये उनकी पहचान है। वो सभी हीरो पर भारी पड़ते हैं, ये उनकी पहचान है। उनकी अच्छी फिटनेस है, अच्छी लंबाई है, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, सबको आकर्षित कर लेते हैं, यही तो उनकी पहचान है। क्या करते हैं, उसी प्रकार से परब्रह्म कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसको जानने के बाद में ही, जैसे कहा कि एक सूत्र में कहा गया, रीते ज्ञानात्न मुक्ति, उस तत्वज्ञान के प्राप्ति के बिना संसार से कोई भी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, यानी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। वो तत्व ज्ञान क्या है, वही परब्रह्म का स्वरूप ही तो है जिसका ज्ञान होना, जिसको जाने बिना आप संसार के बंधनों से परे नहीं हो सकते, आत्माओं को अपने मूल ठिकाना का पता नहीं चल सकता, यही तो उनकी पहचान है। अब उनकी पहचान होगी कैसे, बहुत साधारण सी बात है, हम प्रसंग की ओर चलेंगे तो पता चलेगा। हम कबीर जी की पहचान करना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीजक, बात समझ भी नहीं आ रही मेरी। हम कबीर जी की पहचान करना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीजक। जो रसूल मोहम्मद की पहचान करना चाहता है वो क्या पढ़ता है, कुरान। और गुरुवाणी पढ़ने से सिखों के जो मूल प्रवर्तक हैं, जिनको वो मानते हैं, उनकी पहचान होती है।
यदि रामायण पढ़ेंगे तो किसकी पहचान होती है? रामचंद्र जी की। शिव पुराण पढ़ेंगे तो किसकी पहचान होगी? शिव जी की। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो किसकी पहचान होगी? विष्णु की पहचान होगी। उसी प्रकार से ये तारतम वाणी पढ़ेंगे तो किसकी पहचान होगी? बताइए ना, किसकी पहचान होगी इसमें? परब्रह्म की पहचान होगी। परब्रह्म के साथ आत्माओं की पहचान होगी, क्योंकि वाहदत के संबंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए आत्मा भी परमात्मा की अभिन्न स्वरूप होने के कारण आत्माओं की भी पहचान होगी और उनकी ब्रह्मपुरी की भी पहचान होगी। लेकिन ये तो उनकी थ्योरी है। उनका प्रैक्टिकल जीवन, जिसको हमने कुछ दिन पहले एक महीना लगा करके श्रवण किया, वो क्या है? अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। पहली चौपाई में लिख दिया, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताक को करो विचार। व्यास जी ने जो भविष्यवाणी की है उस विषय पर विचार कीजिए। और इस प्रकरण के अंतिम चौपाई से पूर्व की चौपाई में क्या कहा? आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इष्ठा। आगे चल करके जिसकी भी तक लिखी जा रही है, वो पुराणों में क्या लिखा? निष्कलंक बुद्ध स्वरूप प्रकट होंगे। निष्कलंक बुद्ध स्वरूप, बुद्ध अवतार के रूप में जो प्रकट होंगे, वो परब्रह्म सच्चिदानंद इस संसार में प्रकट होंगे। ये उनकी बीतक है। आगे चल करके महाकारण का प्रकरण आता है। तो महाकारण में जिस बीतक को शुरू करना है, उनका परिचय देने के बाद में महाकारण यानी सर्वप्रथम मूल रूप से जिस कार्य को संपादन करना होता है, उस कार्य के लिए पहले अंतस्करण में बात उत्पन्न होती है, अहंकार में उत्पन्न होता है, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि विवेचना करने के बाद जो फाइनल रूप से मन में आता है, मन उस कार्य को क्रिया के रूप में संपादित करता है। लेकिन जो मूल रूप से जो उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं कारण। लेकिन उस कारण का भी कारण क्या था, उसके लिए जो चौपाई रख दिया, मैं बीतक सुनाने नहीं जा रहा हूं, आपको प्रसंग याद दिला रहा हूं कि ये किसकी पहचान हो रही है या किस विषय पर ये प्रसंग अवतरित हो रहा है। तब यहां जाकर के महाकारण में कहा, पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इशक, तहां प्रेम रबद में हुआ हुक्म हक। ये थ्योरी है जो प्रैक्टिकल बीतक है, उसमें किसकी बीतक शुरू हो रही है, किसकी वृत्तांत शुरू हो रही है? परब्रह्म अक्षरातीत ने अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ परम धाम में नूरी स्वरूप के साथ, नूरी स्वरूप में विद्यमान होकर के जो प्रेम का संवाद किया, जो संसार में माया के दुख के खेल को देखने का कारण बना, जिसके कारण ब्रह्मात्माओं का संसार में अवतरण हुआ। जब अवतरण हुआ तो किसका अवतरण हुआ? एक चौपाई में कह दिया, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिशल गाजिए मोमिन उतरे तब। कौन उतरा? ब्रह्म सृष्टिया। किसके साथ? श्यामा जी के साथ। यानी श्यामा जी के साथ सभी ब्रह्म आत्माओं का झुंड काल माया के ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में उनका अवतरण हुआ। और ये संपूर्ण वृतांत जो लिखी हुई है बीतक में, और वही बीतक है श्री जी की जीवनी या सदगुरु की जीवनी, है कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से तो उनके स्वरूप की पहचान करना होगा, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बीतक समझनी पड़ेगी ना। उनके प्रैक्टिकल जीवन है, उन्होंने इस संसार में प्रकट होने से अब यहां से आगे चल करके अंत समय तक उन्होंने जो कुछ भी किया पन्ना जी तक, और पन्ना जी में पहुंच करके 10 साल के अंतर्गत जो भी जागनी लीला की, उसकी संपूर्ण, उसका संपूर्ण वृतांत बीतक में लिखा हुआ है। इसी से उनके स्वरूप की पहचान होगी। इसी पहचान की सारी दुनिया रहा देख रही थी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत। अब बात समझ में आई ना? कौन सी चीज जाहिर हुई जिसको सारी दुनिया इंतजार कर रही थी?
अब आप खुद समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि निजनाम का क्या अर्थ है, जिसको जाहिर होने की सारी दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी। अब इसको विस्तृत रूप से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं प्रसंग की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। इस चौपाई का जो तीसरा चरण कह रहा है मुक्त देशी ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? संसार में मुक्ति नहीं थी। सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य, चार प्रकार की मुक्ति तो पहले ही व्यास जी ने वर्णन कर दिया था पुराणों में। सालोक्य मतलब उस लोक में जहां आपके या हमारे इष्ट रहते हैं, सामीप्य उनके समीप में, नजदीक में, पास में, सारूप्य उनका जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना, सायुज्य उन्हीं में समाहित हो जाना जो हमारे इष्ट हैं। तो ये चार प्रकार की मुक्ति कहां प्राप्त होती है? वैकुंठ में। वैकुंठ में रहने वाले त्रिदेव ये कहते हैं, गायंती देवा की लगीत कहानी धन्यस्तु ए भारत भूमि भागे। इस भारत भूमि में जो मानव है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, विशेष करके कलयुग के समय में उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले, मानव तन को धारण करने वाले, क्योंकि उस समय परब्रह्म अवतरण होने वाले हैं, आने वाले हैं। वो अपने अखंड का ज्ञान लेकर के आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो सारी दुनिया को अखंड का ज्ञान मिलेगा, तो उनके ज्ञान को प्राप्त करके सभी लोग अखंड मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो स्वर्ग में हम चार प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करते थे और उस कर्म के फल को भोगने के बाद फिर मानव देह धारण करते थे या अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के योनियों को प्राप्त होते थे, लेकिन उस अखंड अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम हमेशा के लिए अखंड हो जाएंगे, उस समय हमें भी मानव तन प्राप्त हो जाएगा, ये तो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता कहते हैं। और हम क्या दावा लेकर के बैठे हैं कि हम अक्षरातीत की अंगनाएं हैं? सवेरे सवेरे उठ करके ये बोलते हैं कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इस कसो सेवा करूं सबंगो साक्षात। और इन्हीं ब्रह्मात्माओं को पांचवें दिन की लीला समापन होने के बाद अंतिम घड़ी में हक की सूरत श्री प्रहलाद जी ने क्या निर्देशन किया? अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम। इन ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मवाणी सुपुर्द करके मैं दई कुलजम तुमको और सब किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। ये ब्रह्मात्माओं की झोली में सुपुर्द करके ये कह दिया कि मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। अब ये ब्रह्मात्माएं संसार को मुक्त करेंगी, क्योंकि परब्रह्म के सानिध्य में रहने से, हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहने से उनके दिया हुआ ये तारतम ज्ञान इनको उपलब्ध है और इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करके इसी प्रहलाद जी के ब्रह्म चबूतरे में बैठ करके उन्हें परमधाम का, अपनी परातम का और युगल स्वरूप का साक्षात्कार किया। इसका खुद प्रमाण सहित जिन रास्ते में चल करके इन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, वो मंजिल औरों को भी प्राप्त कराएंगे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके अपनी लीला को ओझल किया। उसके बाद ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसके बाद तारतम वाणी पूर्ण रूप से प्रकाश में न होने के कारण हस्तलिखित ग्रंथों में जो भी कुछ होता था, कई कोस दूर दूर के सुंदरसाथ को यदि एक तारतम वाणी हस्तलिखित रूप में दूर से ही मत्था टेकने को भी मिल जाता तो अपना सौभाग्य समझता था। तारतम ज्ञान का प्रकाश न होने से हमारा समाज, हमारा मार्ग भटक गया। भटकने के बाद हम आश्रित हो गए। किसके आश्रित हुए?
जिसको धामधनी ने जिनकी झोली में तारतम वाणी दे दिया और ये कह दिया मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज वही समाज उसी परंपरा में उसी सिलसिले में चलने वाले सुंदर सात इस तारतम वाणी को तो एक तरफ रख देते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और हम आश्रय लेकर के किसी का आश्रय कहते हैं कि इस तारतम वाणी को कौन समझता है, सदगुरु को कौन पहचानता है, प्राणनाथ जी को कौन पहचानता है। और कथाएं सुनाई जाती है और उन कथाओं को किसको सुनाया जाता है, उन परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों जिस समाज में है उनको ये सुनाई जाती है और कह दिया जाता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम परमधाम चलो। अरे पहले ये तो देख लीजिए कि जिस ज्ञान को सुना करके हम उन ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का मार्ग दिखा रहे हैं उस ज्ञान को लिखने वाला या कहने वाले के पास कहां तक का ज्ञान था। जो भागवत की कथा 7 दिनों तक सुनाई जाती है और उसके बाद यदि सुंदर सात समुदाय में हो गया तो उस जीव का या उस आत्मा का सौभाग्य है उसको झूठो ही झूठ मूठ ही राज्य का नाम सुना दिया जाता है, क्योंकि 7 दिन तक उसने भागवत की कथा सुन करके किसका किसकी पहचान किया। मैं नहीं कहता हूं न मानो तो जय सुख जी ने पूछो आप बैठा छे भागवत माए, भागवत में कौन बैठा हुआ है, सुखदेव जी या व्यास जी। व्यास जी के द्वारा लिखी हुई है और सुखदेव जी ने सुनाया और सुनने वाला कहां पहुंचा, 7 दिन में राजा परीक्षित के लिए विमान आया और विमान में बैठ करके कहां पहुंचे, परमधाम अक्षरधाम 8 वैष्णव में कहां पहुंचे बता दीजिए, वैकुंठ। क्या आप वैकुंठ से आए हो, वहां जाना चाहते हो इसीलिए तारतम ज्ञान प्राप्त किया, क्या वैकुंठ का मार्ग दुनिया में इससे पूर्व नहीं था। और ऊपर से हवाला दिया जाता है कि सदगुरु देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक भागवत की कथा सुनी, बेशक सुनी, कोई संदेह नहीं है, लेकिन भागवत की कथा सुन करके ही अक्षरतीत का दीदार हुआ होता तो प्रगट वाणी ये नहीं कहती पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। कितने बार दर्शन हुए थे श्यामा जी को, 3 बार दर्शन हुए थे और 3 बार दर्शन होने, तीसरी बार के दर्शन तो चलो श्याम जी के मंदिर में भागवत की कथा श्रवण करते हुआ था, उससे पहले 2 बार भी हुआ तब तो भागवत की कथा नहीं सुनी थी ना। और दूसरा जिस चीज का अवलंबन करके जिस मार्ग का अवलंबन करने के बाद जिसको परब्रह्म सच्चिदानंद का दीदार होता है वो मार्ग भला दुनिया में कोई त्याग सकता है छोड़ सकता है, हाँ या ना तो कर दीजिए। जिस मार्ग का अवलंबन करने से आपको अक्षरातीत परब्रह्म का साक्षात्कार होगा क्या आप उस मार्ग को कल से छोड़ दोगे। देवचंद्र जी को अंदर बैठी श्यामा जी को जब राजी ने 3री बार दर्शन दिया और अपने पूर्ण पूर्ण हकीकत बयान करने के बाद उनके स्वरूप की और अपने स्वरूप की पहचान करने के बाद उनको क्या आदेश दिया, कहा तुम्हारे आकार के अंदर आए के बैठे हम, और ये कहा जाओ बुलाए तुम जो रूहे मेरी रबद किया प्यार वास्ते, मूल मिलाव में जिन्होंने मेरे साथ इश्क रबद किया था और यहां आए यहां आकर के भूले हुए मानव तन को प्राप्त किए हैं उनको बुला करके ले करके आओ, ये भागवत में लिखी हुई है। उसके बाद दूसरे दिन से गांगजी भाई के घर में बैठ करके उन्होंने धनी के आदेश को फरमान को पूरा करना प्रारंभ किया और जागनी लीला शुरू हुई। दूसरे दिन से कवि देवचंद्र जी वहां गए भागवत सुनने के लिए नहीं गए, यदि उन्होंने गलती कर दिया चलिए समझ लीजिए। उसके बाद स्वयं महामती जी के हृदय में साक्षात धाम धनी विराजमान हो करके तारतम वाणी का प्रकटीकरण किया, उनको तो समझाना चाहिए था कि तुमने गलती किया कि तुम उसी रास्ते पर चलो फिर से कि जिस रास्ते पर चल के तुमने धाम धनी को प्राप्त किया है दर्शन हुए हैं,
भागवत को कहने वाला बड़ा होता है, लिखने वाला बड़ा होता है, या सुनने वाला बड़ा होता है, मुझे बता दीजिए। यानी जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है वो कौन होता है? श्रोता होता है, वक्ता होता है, या उसका लेखक होता है? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो आप लोग तो। लिखने वाला होता है ना? अच्छा बता दीजिए, ठीक है। लिखने वाला यदि इतना बड़ा विद्वान होता है, सबसे अधिक जानकार होता है, तो व्यास जी ने उसको लिखा, व्यास जी को तो परमधाम का पूरा ज्ञान होना चाहिए, व्यास जी को कई बार दर्शन हुए होना चाहिए, सुखदेव जी को होना चाहिए, उन्होंने बहुत प्रेम से सुनाया, जो 14 वर्ष तक देवचंद्र जी ने सुना और उससे पूर्व भी सुनाते थे भट्ट जी, उनको होना चाहिए, उनको क्यों नहीं हुआ? और उसका जो फल प्राप्त होता था, परीक्षित को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई या वैकुंठ की प्राप्ति हुई? उसके बाद भागवत में ही एक प्रसंग आता है धंधुकारी और गोकर्ण का। गोकर्ण उसका भाई था, धंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, तो उनको ये मार्गदर्शन किया गया कि इसको भागवत की कथा सुना दीजिए तो मुक्त हो जाएगा। चलो उसको भी सुना दिया, 7 दिन में वो मुक्त हो गया, लेकिन कब परमधाम पहुंच गया था। तो क्या परमधाम की आत्माओं को ये सुना करके ये परमधाम जाएंगी? धनी कह रहे हैं मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी रहा देखता। ये चौपाई तो अवतरण कब हुआ? किरंतन ग्रंथ में है। वाणी का अवतरण हुआ विक्रम संवत 1714-15 से लेकर के विक्रम संवत 1748-50-51 के बीच तक। क्या उससे पूर्व परमधाम का ज्ञान था? एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटेपुरी नौतन। नौतनपुरी में सबसे पहले जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के प्रकट हो गए, इसीलिए कि संसार में जो भी ज्ञान है उससे स्पष्ट रूप से परमधाम की ब्रह्मात्माओं को अपनी मंजिल नहीं मिल रही है, इसीलिए तारतम वाणी लेकर के आए। अन्यथा तारतम वाणी का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था। न कहवाए माया माहे आ वाणी, पण साथ माटे, उन ब्रह्मसृष्टियों के लिए कही गई है। तो उन ब्रह्मसृष्टियों की जागृत करना चाहते हैं, यदि धाम धनी ने ये तारतम वाणी हमारे सुंदर सात समाज की झोली में डाल दिया है, तो हमें तारतम वाणी को सुनना और सुनाना अनिवार्य है। मैं भागवत कथा मत करो मत सुनो इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ब्रह्मसृष्टियों को जो कर्तव्य बताया है धनी ने, एक दिन एक सज्जन ने मुझे बताया कि आप लोग राह से भटके हुए हैं, जो एक हमारी एक धारा चलती आ रही है उस धारा से आपने अपनी धारा को, विचारधारा को अलग कर लिया। मैंने कहा सज्जन जी कैसे? कहें जैसे सदगुरु के परंपरा से चलती आ रही है, प्राणनाथ जी की परंपरा से जो चलती आ रही है, हम तो उस परंपरा के हैं, लेकिन आपने अपनी परंपरा अलग बना लिया। मैंने पूछा नहीं नहीं ये तो बता दीजिए कि परंपरा में अलग अलगाव जो दिख रहा है वो क्या है? कहते हैं आप भागवत को नहीं मानते। मैंने कहा मैं तो दुनिया में जो भी किसी के ग्रंथ के अस्तित्व को मिटा तो नहीं सकता, हमारा तो ये अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का खजाना तो तारतम वाणी है। धनी ने तो वो दिया, सदगुरु ने वही किया और प्राणनाथ जी ने वही किया। सदगुरु ने और प्राणनाथ जी ने कभी 108 भागवत और 1008 भागवत तो नहीं सुनाया, तो हम तो उसके पीछे चलने वाले। हम परंपरा से अलग हुए या आप हुए? तो उन सज्जन को चुप होना पड़ा। ये कथाएं सुन करके ब्रह्म सृष्टियों को अपने धनी की पहचान नहीं होने वाली है। ये तो पहले से चलती, द्वापर युग से ये लीला चलती आ रही है और तब से ही ये सभी लोग सुन रहे हैं। आज भी तो क्या वैष्णवों में भागवत की कथा नहीं होती? होती है, सुनाई जाती है। ये इसलिए कहना पड़ता है कि आज हमारे समाज में हजारों लाखों की भीड़ है, लेकिन उन सुंदर साथ को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए चले जाते हैं, तो इस तारतम वाणी को मंदिर में रख करके रुमालों में बांध करके केवल आरती तो उतारी जाती है, पाठ किया जाता है अवश्य, लेकिन
इसकी चर्चा करके सुंदर साथ को अपने संबंध की निस्बत की पहचान नहीं बताई जाती है। और धनी ने जिस कारण इस ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ की झोली में दिया, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, ये कर्तव्य नहीं निभाया जाता है। और जिस दिन हम तारतम लेते हैं उस दिन हम राज्य के सामने बैठ करके क्या शपथ करते हैं, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। क्या धनी के सामने हमने संकल्प नहीं किया? क्या ये हमारी तरफ से जवाब नहीं है? क्या राज्य कह रहे हैं ये, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार? राज्य किसकी अंगनानार है? हम उनकी अंगनानार है। ये संकल्प किया है लेकिन इन संकल्पों को दोहराया नहीं जाता है और ये याद नहीं दिलाई जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये निजनाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत। सारी दुनिया जिस ब्रह्मवाणी की राह देख रही थी वो हमारे पास है और हम इस ब्रह्मवाणी को एक तरफ रख करके हम किसी का किसी के आश्रित हो गए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जो भागवत की तालीम दी जाती है वृंदावन मथुरा में या काशी बनारस में, कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी 25 पक्ष में से एक पक्ष की बात उसमें लिखी हो, बता दी जाती हो, कहीं हमारी आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताई गई हो, मूल संबंध के बारे में बताई गई हो या मूल मिलावे के बारे में बताई गई हो, इन आत्माओं का आगमन और प्रस्थान के बारे में कोई बताई गई हो, या आत्मा और धनी के बीच में जो दूरी है उसको पूर्ण करके धनी की साक्षात्कार करने की कोई बात बताई दी गई हो या बता दी जाती हो, तो मुझे प्रमाण दीजिए। यदि नहीं तो ये ब्रह्म सृष्टि अपने घर कैसे जाएंगी? यही तो एक अज्ञानता का अंधकार है। यही अज्ञानता के अंधकार, इस पर्दे को जब तक हम चीर करके बाहर नहीं निकलते, इन मर्यादाओं से हम बाहर नहीं निकलते, तो हमें धनी नहीं मिलेंगे। हमारे धनी की पहचान है इस तारतम वाणी में है। इस तारतम वाणी में एक चौपाई और आई है, श्री महामती कहे सुनो सात खोल वाणी देखो श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी की वाणी खोल करके देखिए और आपको कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री प्राणनाथ जी कोई एक सामान्य पुरुष है। इसीलिए आगे जाकर के कह दिया धनी ले आए नाम से वचन। प्राणनाथ जी का स्वरूप कौन है? धनी है। जिस वाणी को आत्मसात करके जिन्होंने परमधाम का साक्षात्कार किया, वो हमारे आदर्श परमहंस ब्रह्मनियों ने जो श्री जी के साथ चल करके उस मार्ग को अपनाया, अष्टपहर की लीला में पन्ना जी में देखिए, उसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, सुनाते ही नहीं, कहते हैं कि इसमें तो सुंदर साथ का नाम लिखा है जिन्होंने सेवा की, कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा नहीं, उसमें बहुत विशेष बात लिखी हुई है। यदि आपने अष्टपहर की बीतक को नहीं पढ़ा और नहीं समझा तो आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाएंगे और अपने संबंध को भी नहीं जान पाएंगे। हम शाम को घंटी घड़ियाल इत्यादि बजा करके बहुत उत्सव मनाते हुए आरतियां इत्यादि करते हैं और सबसे पहले बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। किसके लिए बोला जाता है ये पूर्ण ब्रह्म? सबसे सर्वप्रथम बार किसने बोला था? छत्रसाल जी ने। किसके लिए बोला? किसकी महिमा में बोला गया? हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी को चोपड़ा की हवेली में बैठा करके सबको परिचय कराते हुए कि मैं किसकी आरती कर रहा हूं, किसको कंधे पर बैठा करके आज यहाँ लाया हूं, जान के मूल धनी अंगना अपनी शो घर आए हमारे। बड़े आसानी के साथ हम कह देते हैं कि वो तो छत्रसाल जी के भाव थे। ये तो ब्रह्मवाणी में थोड़ी लिखा है छत्रसाल जी के भाव थे। ठीक है, ब्रह्मवाणी में नहीं लिखी। जिस भाव के कारण छत्रसाल जी को जो परमधाम का साक्षात्कार हुआ, धनी का साक्षात्कार हुआ और वो चीज मिली, आप क्या चाहते हो? आपको वही परमधाम चाहिए ना? आपको वही धनी चाहिए ना? हमें वही चाहिए ना? कहते हैं कि ये तो बीतक में लिख दिया लालदास जी ने, ये उनके व्यक्तिगत भाव है। यही अक्षरातीत है, यही ये धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, ये तो लालदास जी के व्यक्तिगत भाव है। अरे लालदास जी ने जिस भाव को अपने हृदय में धारण किया और अपना जीवन समर्पण किया, उसका फल स्वरूप उनको राज्य मिले, अपनी परातम मिली और मूल मिलावा मिल गया।
या तो ये कहिए कि छत्रसाल जी और लालदास जी को वो चीज की प्राप्ति नहीं हुई, हमें शंका है। यदि शंका नहीं है तो हम उन ब्रह्मनियों के परमहंस के नक्शे कदम पर चलते हैं और इस ब्रह्मवाणी को अनुसरण करते हैं, तो क्या हमें नुकसान है कोई? क्या हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके पदचिन्हों के हम अनुगामी हैं। धामधनी ने हमें ये जिम्मेदारी कर्तव्य दिया है, कहीं हम इस कर्तव्य से वंचित न हो जाएं, इससे दूर हो करके कहीं हम अपने दावन में खोट लगा करके न बैठें, क्योंकि इस मेरी वाणी को केवल यहाँ बैठे हुए सुंदर साथी नहीं सुन रहा है। शायद हो सकता है कि दूर दूर तक भी जो हमारे सुंदर साथ बैठे हैं और इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश से बहुत दूर हैं और परमधाम का वादा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यदि प्राणनाथ जी की स्वरूप की पहचान करनी, धनी के चरणों को प्राप्त करना है, तो जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके उस मंजिल की प्राप्ति की, उनके नक्शे कदम को भी हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उस मार्ग से चल करके जो हमारे अग्रज वहां पहुंचे तो हम भी पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का भाव यही था, क्योंकि हम सागर श्रृंगार इत्यादि ये सारी चीजें तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से हमें जो पहचान करने का जो हमारा मूल आधार है, यदि वही पूर्ण रूप से नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? कई लोग बड़े आसानी के साथ कह देते हैं कि ठीक है, प्राणनाथ जी ने भी तो सदगुरु से तारतम लिया और सदगुरु कृष्ण भक्ति थे और आप लोग कृष्ण को नहीं मानते। मैं अपनी तरफ से किसी को आक्षेप नहीं करता हूं, बीतक का केवल चलते चलते एक प्रसंग सुना देता हूं। हरिदास जी के यहां देवचंद जी पहुंचे, भरपूर सेवा की, हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने एक मूर्ति को देने का संकल्प किया, शुभ दिन ठहरा करके उनको बुलाया कि आप आ जाना, हम बाल मुकुंद की मूर्ति आपकी सेवा में दे देंगे, आपको घर में ले जाकर के सेवा करना उनकी, आपने मेरी बहुत सेवा कर लिया, आपकी सेवा मुझे ज्यादा हो गई है, आप अपने घर में बैठ करके सेवा कीजिए। जिस दिन मूर्ति लेने के लिए गए तो क्या हुआ, मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई, दिखाई पड़ी। रात तक बैठे रहे, निराश होकर के वापस लौटे, लेकिन हरदास जी बैठे हुए थे, रात्रि के समय में बैठे बैठे ही उनको ऐसा लगा कि साक्षात सामने बाल मुकुंद जी प्रकट हो गए हैं। और बाल मुकुंद जी ने क्या कहा, पूछा गया हरिदास जी के द्वारा कि भगवान आप कहाँ गए थे, क्यों अंतर ध्यान हो गए थे? कहने लगे, तुम मुझे देवचंद जी के घर पधराना चाहते थे, इसलिए मैं अंतर ध्यान हो गया था। क्यों? मैं देवचंद के घर जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? जब परब्रह्म ने ब्रज की लीला की और ब्रज लीला करने के बाद रास में चले गए, योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, उस समय उनकी कृपा के द्वारा ही तो मैं अखंड ब्रज में अखंड हुआ, उन्होंने ही मुझे अखंड ब्रज में पहुंचाया, और उन्हीं परब्रह्म की आनंद स्वरूपा इस देवचंद्र जी के अंदर विराजमान है, जिन्होंने मुझे अखंड किया, उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा देवचंद्र जी का मैं इष्ट बन करके बैठूं, मैं सह न सकूं सेवा तुम इनकी, न सह सकूं एहसान, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, मैं तो इनकी एहसान भी नहीं चुका सकता, मैं इनका इष्ट नहीं बन सकता। ये किसके शब्द है? बाल मुकुंद जी के, श्री कृष्ण जी के शब्द हैं। यदि बाल मुकुंद, जो 11 वर्ष 52 दिन वाले बाल मुकुंद जी ने यह कह दिया कि मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता, इनका इष्ट नहीं बन सकता, तो श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के इष्ट अलग अलग हैं या एक है, बताइए? यदि एक हैं तो बाल मुकुंद जी ब्रह्मात्माओं के कैसे इष्ट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इस चीज को हम हर साल श्रवण करते हैं, फिर भी आक्षेप कर दिया जाता है कि तुम तो कृष्ण को नहीं मानते। जब उनके अंदर धनी थे, हम सखियों के स्वरूप में, ब्रज कुमारिकाओं के रूप में थे या ब्रज की गोपियों के रूप में थे, उस समय हमने भरपूर रिझाया, रास में गए भरपूर रिझाया,
और वही अक्षरातीत देवचंद्र जी के हृदय में आए और वही अक्षरातीत महामती जी के हृदय में आए और हम उनके पीछे उनके नक्श कदम का अनुसरण किया तो परमात्मा को क्या गुनाह हुआ कोई? लेकिन जिस तन में अक्षरातीत बैठ करके इस ब्रह्मवाणी को दे रहे हैं और हम उनको कहें कि वो तो देवचंद्र जी के शिष्य थे और हम सामान्य साधु संतों के रूप में या उनके समकक्ष उनको करते हैं तो क्या ये हमारा वादा पूरा होगा कि मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य जो सारा संसार को मुक्त देने के लिए आया और हमारी ब्रह्मवाणी खुल करके मुक्त कंठ से ये कह रही है कृपा निध सुंदर बरश्याम भले भले सुंदर बरश्याम प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में। हरिद्वार में ये प्रकरण किसके लिए संबोधन कर रहा है? हकी सूरत से प्राणनाथ जी के लिए और कह रहे हैं प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में। किसने कह दिया कि संत है? किसने कह दिया सदगुरु देवचंद्र जी के शिष्य हैं? देवचंद्र जी के हृदय में जो युगल स्वरूप विराजमान थे जिनके चरण में मिराज जी गए थे वही मिराज जी वही महामती जी के प्रियतम तो उनके हृदय में आकर के विराजमान हुए हैं। इतनी तो पहचान करने की बात है। तो ये पहचान हमें ब्रह्मवाणी देती है। इसीलिए कोई भी सुंदर साथी ये मत सोचिए कि इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश के दूर रह करके हम परमधाम को प्राप्त कर लेंगे और करवा लेंगे। ये दीवा सपना के ख्वाब में कोई न रहे। सुंदर साथ ब्रह्मवाणी के शरण में आए और इस ब्रह्मवाणी को पहचान करके अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए और धनी से प्रेम करके अपने गंतव्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इसी भगवान के साथ में सभी सुंदर साथ मिल करके चौपाई का झील ना कीजिए। आए ब्रह्म आत्म सत आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखत जाकी सब दुनी रहा देखत मुक्त देशी ब्रह्मांड को मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत आए ब्रह्म आत्म सत बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सच्चिदानंद धाम धन की जय।